करने पे बैठे हुए हैं। आपकी पीड़ा को मैं ये कहूंगी कि मैं समझती हूँ, क्योंकि रोजगार में सबसे पहली चीज तो ये है कि रोजगार में निश्चितता हमेशा इंसान चाहता है, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ। क्योंकि हमने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था तो एज अ डॉग पढ़ाना शुरू किया था, और जब तक परमानेंट नहीं हो गए थे तब तक हम भी सोचते थे कि परमानेंट कब हो जाएंगे। जो परमानेंट होने की जो खुशी होती है, जो निश्चिंता होती है, वो काम करने को एक अलग जोश देती है, मैं मानती हूँ। दूसरा चीज मेरी ये भी मानना है कि इस देश के अंदर दो ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें सरकार को, चाहे किसी की भी हो, उसको हमेशा 100% अपना देना चाहिए। एक शिक्षा है और दूसरी चिकित्सा। और शिक्षा और चिकित्सा, इस पे देश के हर नागरिक का बराबर अधिकार होना चाहिए और सबको समान रूप से मिलने चाहिए। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं और जो चिकित्सा कर्मी हैं, उन दोनों की भी जिम्मेदारी बहुत बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्माण मेरे को लगता है तभी कर सकते हैं कि जब वो अपने रोजगार को लेकर के निश्चित हो, वो अपने घर परिवार को लेकर के, अपनी रोजी रोटी को लेकर के निश्चित हो। मैं साधुवाद दूंगी कि आपने कोरोना के समय में जब लोग अपने ही परिवार के लोगों को हाथ लगाने से डर रहे थे, तब आप लोगों ने जो है सेवाएं दी। और मैं आपको इस बात का भी भरोसा दिलाती हूँ कि जो मैंने यहाँ देखा है, जो सुना है, वो निश्चित रूप से मैं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूंगी। और निश्चित रूप से उनसे मैं ये भी आग्रह करूंगी कि इस समस्या का समाधान जितना जल्द हो सके उतना निकाला जाए, ताकि न सिर्फ आपकी समस्या का समाधान हो, बल्कि मैं ये भी कहूंगी कि जैसे अभी मुझे भाई ने बताया कि हर गांव से, हर पंचायत से दो लोग, तो आप ये देखिए कि हर पंचायत से दो लोग पूरी पंचायत की सेवा कर रहे हैं, तो सिर्फ उन दो लोगों का ही भला नहीं हो रहा है, उस पूरी पंचायत का भी भला हो रहा है। तो मैं अपनी तरफ से जो मेरी क्षमता है, जो मेरी कैपेसिटी है, उसमें 100% आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और कोशिश करूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि उसको पहले समाधान हो, मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वो इस समाधान को जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटाइज करके इसको निकालने की कोशिश करें, ताकि आपका ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का भी भला हो, उनको भी पूर्ण रूप से चिकित्सा सुविधाएं मिले। धन्यवाद।